मैं जा रही हूँ ये गुलाब जामुन बनाने। इसमें ये आपको मार्केट में इसलिए अवेलेबल हो जाएगा, और ये इसकी प्राइस है 225, और इसमें 100 पीस बनेगा। और कैसे इसको बनाना है और इसमें सारा बताऊंगी मैं, और इसको इसमें सारे 100 पीस बनेंगे। इसको मैंने निकाल लिया पैकेट में से, और अब इसमें हम इसको हमको दूध लेना है। मैं इतना ये कब से इतना दूध ली हूँ, और इसको अब थोड़ा थोड़ा ऐसे करके और इसमें मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है जिससे ये हमारा आटा गीला ना हो जाए, और इसे ज़्यादा कस के दाबना नहीं है। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके ये दूध हम डालेंगे और इसे एक आटे का शेप देंगे। ये मेरा ये गोल बंधा गया है, इसको ऐसे ही मैं एक गिलास किया, मैं पानी डाल दूँगी। अब मेरे रसगुल्ले के अकॉर्डिंग मैं अपना रस ये इसका रस बनाऊंगी। इसमें मैंने लगभग 2 गिलास पानी डाल दिया है, तो मैं इतना अपने स्वाद के अकॉर्डिंग चीनी डालूंगी। अब हम इसमें इलायची, थोड़ी सी इलायची डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह यह पकेगा, ये लस लसे होगा, तब हम इसको चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम। इसको हम छोटा सा ये बॉल तोड़ेंगे, और इसको ये हम अपने हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेते हैं जिससे ये इसमें कोई क्रैक्स ना है, और इसको एकदम हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करते रहेंगे। इसको इस तरह से गोल गोल राउंड राउंड घुमाते रहेंगे, और इसे ज़्यादा इसको ये प्रेशर नहीं देंगे जिससे ये फटे ना, इसमें कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए, नहीं तो हमारे जो रसगुल्ले हैं वो फट जाएंगे। देखिए किस तरह से इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं है, ऐसे ही ये हमें छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं, और इसी तरह हम सारे बॉल बना लेंगे। और इसे मैं फ्राई करूँगी, गर्म हो चुका है, मैं इसमें ऑयल डाल चुकी हूँ, और ये गर्म हो चुका है, और मैं इसमें अब बॉल डालूंगी, और मुझे अब फ्लेम पे इसे पकाना है, नहीं तो अंदर के जो वो नहीं अच्छे से पकेंगे। रसगुल्ले पक रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे हैं, और ये लाल हो रहे हैं। रेडी हो चुका है, मैं इसे अब निकालूंगी। बहुत सारे निकाल दिए, और मैं इसे चाशनी में डालूंगी। हमारे सारे बॉल रेडी हो चुके हैं, और मैं इसे देखिए मैं पहले से ये डाल दी थी, और मैं इसे सारे बॉल को चाशनी में डालूंगी। तो ये गर्म गर्म करेगा तो ये ज़्यादा इसमें जोर से ऑब्जर्व करेगा, और मैं अभी ये दिखाऊंगी जब ये सारा रस को ऑब्जर्व कर लेगा, उसके बाद ये हमारे रसगुल्ले कितने फूले फूले होंगे वो मैं दिखाऊंगी। फूले रसगुल्ले, और देखिए कितने देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आपको अगर खाना है तो आप आ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।